फ्रेंड्स, यहाँ सर्दियों का मौसम चालू हो चुका है तो हरी सब्जियाँ मार्केट में बहुत आ चुकी है, साग भाजियाँ। तो यहाँ मैं मेथी की भाजी शेयर करने वाली हूँ, मेथी की भाजी की रेसिपी। मैंने मेथी के पत्तों को अच्छे से धो के बारीक बारीक कट कर लिया है। आप अच्छे से बारीक कट कर लीजिए भाजी को। और यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन की कलियाँ और मिर्ची, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और आलू लिया है। आलू मेथी बनाने जा रही हूँ। और आप लोग जैसा भी प्याज चाहे तो अवॉइड कर सकते हो भाजी है तो, लेकिन मैं प्याज डालती हूँ। तो एक प्याज लिया हुआ है, हरी मिर्ची ली है 4 और लहसुन की 6 कलियाँ ली हैं जैसे बारीक बारीक काट ली हैं, और 2 लाल मिर्च ली है और आलू मैंने 2 लिए हुए मीडियम साइज़ के। मैंने एक पैन में ऑयल चढ़ा दी है और जब तेल गर्म हो जाए, ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें सबसे पहले अच्छे से गर्म तेल होने के बाद आप उसमें लहसुन डाल सकते हैं। तेल आप कोई सा भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, सरसों का तेल, जिसमें भी आप बनाते हैं। हम लोग रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लहसुन की कलियों को डाल दिया है टुकड़ों को, और वो अच्छे से भूनना है उसे ब्राउन होने तक। और जो लाल मिर्ची थी खड़ी, वो ही मैंने डाल दी है। इसे अच्छे से आपको ब्राउन, क्योंकि जब हम हरी साग भाजी बनाते हैं ना तो तड़का अच्छे से उभरना चाहिए, हमारे यहाँ बोला जाता है। और मैंने हरी मिर्ची ली है, खूब सारी ली है। आप तो कम कर सकते हैं, तीखा कम खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ली हुई है। और फिर मैंने प्याज भी डाल दी। प्याज को भी आपको ब्राउन करना है। प्याज आप 2 मीडियम साइज़ के ले सकते हैं, जितना भी आप चाहें उतना ले सकते हैं। तो 1 मीडियम साइज़ का मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। और उसे आपको अच्छे से ढक के ब्राउन होने तक पकाना है। और मेथी का जो कड़वापन होता है फ्रेंड्स, कई लोग परेशान होते हैं कि बच्चे खाते हैं कड़वा लगता है, बट आप ऐसे बना सकते हैं ना, बनाएंगे तो कब से आपको कड़वा नहीं लगेगा, बच्चा आराम से खाएगा, देखिएगा। तो मेरी बेटी तो आराम से खाती है। और फिर यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं जो बारीक कटे थे, वो मैंने पहले से धो के छिल के खाते हुए थे। और आपको आलू को भी अच्छे से भूनना है। उसी समय आप चाहे तो नमक डाल सकते हो ताकि वो पक जाए आलू, और आलू को भी अच्छे से आपको भूनना है। मैंने यहाँ नमक डाल दिया है ताकि आलू और सारे मसाले जो भी कुछ तड़के वो पक जाए उसमें। उसी समय आप आलू डाल दे तो ज़्यादा अच्छा है, सॉरी नमक डाल दे तो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह से देखिए मेरे आलू पक चुके हैं, आप दबा के चेक कर सकते हैं, चम्मच में दबा के देख लीजिए सीवन में। तो जब आपके आलू पक जाए ना, तब आप जो बारीक कटे हुए जो हमने मेथी के पत्ते रखे हुए हैं भाजी, वो आप उसी समय डाल दीजिए सारा पक जाए उसके बाद। उसे अच्छे से आपको चलाना है। और यहाँ मैंने 250 ग्राम भाजी ले ली थी, और आप तो समझ सकते हो कि भाजी पकने के बाद थोड़ी सी हो जाती है। तो आपको इसे, और हाँ एक बात और मुझे ट्रिक में बताने वाली थी कि भाजी को कभी ढक के, मेथी भाजी को तो ढक के कभी नहीं पकाया जाता है। तो मैंने हमें सिखाया था कि भाजी को ढक के नहीं पकाते हैं। यहाँ मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1/2 टीस्पून डाला, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर डाला है। और मैंने यहाँ पे मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जो तीखी बिल्कुल नहीं आती है। तो ये कलर के लिए आप डाल सकते हैं, आपको जैसा भी अच्छा लगे। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली हुई है। डालने के बाद उसको अच्छे से आपको मिला देना है और कुरकुरा बनाना है, या कुरकुरी भाजी वैसी लगनी चाहिए, तो वो और टेस्टी लगती है रोटी के साथ, रोटी पराठे पूड़ी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो इसको आप बिना ढके पकाइए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। और टमाटर आप चाहे तो डाल सकते हो नहीं, लेकिन आप बिना टमाटर डाले बना के एक बार देखिए मेरी रेसिपी के हिसाब से, बिना ढके और ऐसे ही बना के देखिएगा। कुरकुरी बिल्कुल बढ़िया टेस्टी मेथी की भाजी आपको बन के रेडी हो जाएगी आप लोगों के लिए, और बहुत ही स्वादिष्ट, बच्चे आराम से खाएंगे, फैमिली वाले भी आराम से खाएंगे। और इसको आप दाल चावल के साथ भी परोस सकते हैं, रोटी नान पराठे सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, टिफिन में, किसी में भी दे सकते हो। अभी सीज़न भी चल रहा है और इसमें आप लोग पता ही है आयरन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बहुत हेल्दी है, बेनिफिशियल है, इसमें बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। और अभी तो बिल्कुल मेथी का सीज़न आ गया, मेथी गर्म होता है, जो अपने वात प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, साथ ही साथ सबके लिए फ़ायदेमंद है यार। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देखिए मेरी भिंडी मैंने सर्व कर दी है प्लेट में, और काफ़ी दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, और खाने में तो
बहुत ही लाजवाब थी। मेरी बेटी ने भी खाई, हस्बैंड ने, सबने खाई। और आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना यार, और अच्छा लगे तो ही लाइक करना। मैं नहीं बोलूँगी आपको कि आप लाइक करें, बट प्लीज़ ये वीडियो फुल देखिएगा और अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह से आप मेथी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर